को सीधे लिए चलते हैं। मिलन शर्मा हमारी सहयोगी लखीमपुर से जुड़ रही है, शुभांकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायबरेली से। शुभांकर, आपके पास आने से पहले लखीमपुर एक बार चलते हैं, क्योंकि लखीमपुर एक प्रतीक बना किसान आंदोलन में। लखीमपुर खीरी की जो इंसिडेंट हुआ, जिसमें किसानों पर थार गाड़ी, आरोप ये लगा कि केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं, फिर उन्हें चार्जशीट भी किया गया, उन्हें बेल भी मिल गई, ब्राह्मणों को भी संभालना था, किसानों की नाराजगी को भी दूर करना था, और इन सब के बीच लखीमपुर उन्नाव सबसे बड़ी जगह है जहां पर आज वोटिंग हो रही है। मिलन शर्मा, कितना जोश, क्या मुद्दे? अंजना, देखिए लखीमपुर में सवेरे से हम देख रहे हैं कि काफी भारी तादाद में जो मतदान हो रहा है यहाँ पर, आप सेंटर्स पर देखिए तो इस वक्त हम निघासन सीट पर हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर आशीष मिश्रा टेनी और अजय मिश्रा टेनी का घर है। इसी पोलिंग बूथ पर वो वोट देने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता था कि वो सुबह आते थे, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है कि आज वो वोट देंगे या नहीं देंगे। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है इस चक्कर में, लेकिन लोगों को देखिए आप, यहाँ पर हम लोगों से बात भी कर रहे थे, हमने पूछा क्या उनको लखीमपुर खेरी का जो हादसा हुआ जिसमें किसान कुचले गए, क्या वो उनके लिए मुद्दा रहेगा या फिर किसानों का मुद्दा रहेगा। ज्यादातर लोग यहाँ पर छुट्टा पशु या आवारा पशु के मुद्दे से बहुत तंग हैं, ये एक मुद्दा है। ये तराई क्षेत्र है, यहाँ पर बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, तो उसके लिए यहाँ पर कोई साधन यहाँ लोगों को दिखाई नहीं दे यहाँ, लेकिन लोगों ने कहा कि कुछ सरकार की रणनीतियां हैं जिस पर वो खुश हैं, जैसे आवास वगैरह। लेकिन यहाँ पर का जो मुद्दा है, अगर हम कास्ट कॉम्बिनेशन की भी बात करें तो ब्राह्मण वोट यहाँ पर 17-16% का है, लेकिन SC/ST वोट जो है वो 23% का यहाँ पर पड़ता है। पूरे लखीमपुर क्षेत्र में 8 सीटें थी 2017 में, 8 की 8 सीटें बीजेपी को गई, लेकिन इस बार टक्कर की लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों को किसानों से सहानुभूति है लेकिन वो बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं उस पर। सिख वोट यहाँ पर ज्यादा फेवर या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4% सिख वोट है सिर्फ, लेकिन कुर्मी जो वोट है और जो दलित वोट है वो यहां पर बहुत ज्यादा तादाद में है। अंजना, चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि इस बार दलित वोट, जो जाटव वोट है, वो किधर जाएगा? क्या वो मायावती के साथ उसी तरह से पारंपरिक रूप से चिपका रहेगा, या अगर वो छिटकता है तो किस तरफ, ये निर्णायक हो सकता है। लेकिन जैसे आप इन सीटों पर आते हैं, जिन 59 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, ब्राह्मण बहुल इलाके आते हैं, वोटिंग उनका परसेंटेज बढ़ता है। इससे पहले 8 या 9% थे, तो अब वो 13-14 से लेकर, जैसा आप बता रही है, उससे भी ज्यादा वोट उनका हो रहा है। उनकी नाराजगी किसी भी कीमत पर बीजेपी मोल नहीं ले सकती, क्योंकि फिर उनके लिए खतरनाक साबित होगा। अगड़ी जातियों का साथ ही उनको कहीं ना कहीं पहुंचाता है। आपको लिए चलते हैं रायबरेली, क्योंकि शुभांकर हमारे सहयोगी वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायबरेली और अमेठी की लड़ाई, गांधी परिवार का गढ़, लेकिन अगर आज समाजवादी टिकट से अदिति सिंह वहां पर चुनाव लड़ रही है, तो एक ऐसी परिस्थिति बनती दिख रही है कि कांग्रेस फाइट में ही नहीं दिख रही है। आप देखें तो पिछली बार के भी चुनाव, इस बार के भी चुनाव में वो समाजवादी पार्टी क्या वहां पर डेंट मार पाएगी, जो निकला है कांग्रेस के हाथ से वो किसके हाथ में रहेगा, ये लड़ाई है। शुभांकर, अंजना, अगर यहां रायबरेली की बात की जाए तो ये प्रतिष्ठा की सीट है। इसको आप ऐसे भी समझिए कि पिछली बार जब यहां चुनाव होते हैं तो जिन 59 सीटों में यहां पर वोट डाले गए, उनमें केवल 2 सीटें थी जो कांग्रेस पार्टी के पास गई थी, और वो दोनों रायबरेली की थी। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि वो दोनों उम्मीदवार जो जीत कर आते कांग्रेस पार्टी से, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। यहां पर जातीय लड़ाई है, और इस जातिगत लड़ाई में फिलहाल अगर 6 में से जिन 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, उन 5 सीटों में कांग्रेस केवल 1 सीट ऐसी बच रहा हुआ जहां पर फाइट में है, वरना ज्यादातर जगहों पर फाइट बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की है। अदिति सिंह यहां पर आई हैं, उनके साथ इतिहास रहा है, उनके पिता का नाम रहा है, लेकिन राहें उनकी भी इतनी ज्यादा आसान इस बार नहीं है। उसकी वजह है कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मनीष सिंह को उतारा है, जो उसी जात से आते हैं जिससे अदिति आती हैं। मुस्लिम वोट, यादव वोट एक लामबंद होकर ऐसा दावा किया जा रहा है, और कई लोग ऐसा कह रहे हैं यहां पर कि वो एक जगह पर वोट जाएगा, लेकिन ब्राह्मण वोटरों को अदिति कहीं ना कहीं अपने पाले में लाने में शायद कामयाब हो सकती है, क्योंकि यहां पर एक वीडियो वायरल हुआ था समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का, उसके बाद चीजें बन रही हैं। लेकिन जिससे शुरुआत आपने की कि अमेठी हारने के बाद रायबरेली प्रतिष्ठा की सीट है, अब उस प्रतिष्ठा में अगर यहां से
जो 6 में से यहां पर 1 सीट पे कंपटीशन है, अगर वो बच जाती है या यहां से कोई और मैसेज आता है तो कांग्रेस पार्टी को यूपी में अस्तित्व को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि जब आप पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आपके गढ़ में आप अपनी सीटें हार रहे हैं तो मैसेज जो है अंजना कम से कम वो प्रदेश में अच्छा नहीं जाएगा।